कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहले तो तू मुझे खुशी से हंस के बधाई देने दे। पहले तो तूने मुझे डराई दिया था। हाँ वर्षा, सब अच्छे से हो गया। हाँ। मैं तो बेकार ही डर रही थी। चल बैठ ना। हाँ, वो तो तू हमेशा डर जाती है। पहले टेंशन, बाद में सेलिब्रेशन। अच्छा क्या तू तो इसे भी साथ ले आई? मेरा इससे मिलने का बहुत मन था, इससे भी मिलना हो गया। हाँ। और नैतिक जी खुश है? हाँ दादू, खुशी तो है लेकिन बहुत अजीब लग रहा है। खुश हूँ लेकिन डर भी लग रहा है। रियली बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ। क्या आप ही ऐसे ही फील कर रहे थे? जी जमाई साहब, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। वो क्या है ना कि हम लोग किसी नए कॉन्ट्रैक्ट को तो संभाल लेते हैं क्योंकि उसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, प्रॉफिट लॉस का हिसाब किताब होता है। लेकिन यहाँ ना तो कोई कंडीशन होती है और ना ही कोई टर्म। लाइफ टर्म की जिम्मेदारी जरूर मिल जाती है पर आपको समझ में नहीं आता कि उसे कैसे निभाएं। हाँ दादू, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सब कुछ काफी अनसर्टेन सा हो जाता है, कुछ क्लियर नहीं रहता। ये तो है, लेकिन आप ये अपनी बीवी से नहीं कह सकते। उन्हें तो बस हजार तरह की तसल्लियां देनी होती है क्योंकि उनके लिए ये ज्यादा मुश्किल होता है। हमसे कहीं ज्यादा उनकी लाइफ बदल रही होती है। लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। पता है, अभी तो तू सिर्फ अपना ध्यान रख, बाद में जब बच्चा हो गया ना तो फिर कब सोना है कब जागना है कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन वर्षा, मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है, ना कोई किक, ना हिलना डुलना। अभी नहीं मैडम, अभी तो आपके पेट में एक छोटा सा बम दिखेगा और उसके बाद आपको धीरे धीरे फील होने लगेगा। तब लगेगा कि हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं ज्यादा मोटी तो नहीं हो जाऊंगी ना? नहीं नहीं, डॉक्टर कहते हैं 15 किलो तक तो बढ़ना ही चाहिए। 15 किलो? अरे डर मत, सब चला जाता है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी सास कहे लड्डू खाओ, घी खाओ। क्या क्या खाना चाहिए? मैंने तो सुना है 2 लोगों का खाना खाना पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी डॉक्टर तो कहती थी कि रोज हेल्दी खाओ बस। पता है, मैं तुझे एक बुक दूंगी जो बहुत अच्छी है। शौर्य तो रोज उसे धार्मिक किताब की तरह उसका पाठ करते थे। हाँ दादा, आप मुझे वो किताब दे दीजिए। हाँ हाँ जमाई साहब, दे दूंगा। लेकिन उस किताब से कहीं ज्यादा आपको खुद एक्सपीरियंस करना होगा क्योंकि किताब में ये तो नहीं लिखा होता कि जब आप ऑफिस से थके हारे घर आएंगे, आपकी बीवी पानी के बारे में बाद में पूछेगी, पहले ये बताएगी कि आज हमारी गुड़िया ने ये किया, आज हमारी गुड़िया ने वो किया, हाँ उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है वगैरह वगैरह। हाँ, जिम्मेदारियां तो बढ़ी जाती हैं। हाँ, जिम्मेदारियां तो बढ़ जाती हैं। लेकिन पता जमाई साहब, बच्चा आपको एक अजीब सी फीलिंग देता है, एक ऐसी खुशी जो आपने कभी किसी चीज के लिए महसूस नहीं की होती। पता है, मैं अपनी लाइफ अपनी बेटी अनन्या के बिना सोच भी नहीं सकता। हाँ ये जरूर है कि आपने कई बार सुबह उठने के लिए अलार्म लगाया होगा और उस अलार्म को सुन के आप बंद करके सो भी गए होंगे, लेकिन बच्चे का रात में रोना ऐसा अलार्म है कि वो रोया नहीं और आप चौकन्ने होकर पूरी रात जागते रहते। लेकिन हाँ, आप मजबूरी में नहीं बैठते, आप अपनी खुशी से बैठते। पता है जमाई साहब, आप उस नन्ही सी जान के लिए इतने फिक्रमंद होते हैं कि दुनिया की किसी भी चीज से लड़ सकते। अच्छा किया तू उसे लेकर आई। और इसने जो फ्रॉक पहनी है ना, वो बहुत क्यूट है। हाँ, ये मैंने बेबी शॉप से ली है। पता है, वहाँ इतने क्यूट क्यूट ड्रेसेस थे ना बेबी के, कि मेरा मन करता था कि मैं सब खरीद लूँ। सच में वर्षा, जब मैं और पायल इसके लिए शॉपिंग करने गए थे ना, वहाँ भी इतने प्यारे कपड़े थे कि मन ही नहीं भरा। अब इसे कमरे में ढेर सारी जगह बना ले, क्योंकि एक तरफ तुम दोनों के सामान और दूसरी तरफ बीबी का सामान पूरे कमरे में फैला होगा और तुझे अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिलेगा। नैतिक जी कहेंगे कि मेरी शर्ट कहाँ है, चाय कहाँ है, और दूसरी तरफ बीबी की मालिश करनी होगी और तुझे समझ ही नहीं आएगा कि घर में बीबी कौन है और पापा कौन है। तो क्या दादू, अक्षरा के पास मेरे लिए टाइम नहीं होगा? होगा जमाई साहब, लेकिन जितना भी होगा ना, आप उसी में खुश रहिएगा। हल्की सी भी शिकायत की ना तो आंखों में पानी भर आएगा। आप तो बस समझदारी से काम लीजिएगा। मतलब जमाई साहब, वही समझदारी कि बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस का हुक्म सर आंखों पर। अब देखिए, अचानक से रात को 1 बजे उठ के कह देंगे कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो आप ना कहने की गलती मत कीजिएगा, ले जाइएगा आधी रात को पूरी नींद में खाली सड़कों पर, क्योंकि जब तक वो खा नहीं लेती ना तो खुद सोएंगी और ना ही आपको सोने देंगी।
रहता है, किसी भी टाइम कुछ भी खाने का मन करता है। हस्बैंड नहीं समझेंगे, लेकिन तू टेंशन मत लेना, क्योंकि वो भी तो पहली बार बाप बन रहे होते हैं। भाई साहब कोई टेंशन मत लीजिए, इस वक्त ना तो कोई डाइट काम आएगी और ना ही कोई रूल, बस हर पल का मजा लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। आप और अक्षरा अपने तरीके से आपसी समझ से सब कर लेंगे।